हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो देखिए, अभी आइए, जो श्रीलंका के जो भारत में नए उच्चायुक्त हैं, उन्होंने मिलिंडा मोरागोडा, उन्होंने बताया है कि जो है IMF जो है श्रीलंका को 2.9 बिलियन डॉलर का जो है उधार देने पर सहमत हो गया है। तो जो IMF है, उसने गुरुवार को श्रीलंका को 2.9 बिलियन डॉलर के जो ऋण की मंजूरी दी है। 1948 में स्वतंत्रता के बाद से श्रीलंका अपने सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसका जो है इस साल में जो है इस साल के शुरुआत में काफ़ी ज़्यादा व्यापक विरोध हुआ था वहाँ की जनता के द्वारा। इसके अतिरिक्त जो गोटायबा राजपक्षे थे, उन्हें जो है राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया और रानिल विक्रमसिंघे को सत्ता में लाया गया। इसके अतिरिक्त आपको बताने की जो राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे हैं, वो इस समय देश के वित्त मंत्री भी हैं और उन्होंने अपना पहला बजट पेश किया है जिसका उद्देश्य राजस्व को बढ़ावा देना और मुद्रास्फीति से लड़ना है। तो देखिए, अपने बयान में IMF ने कहा कि श्रीलंका के जो लेनदारों से ऋण राहत और बहुपक्षीय भागीदारी से जो से अतिरिक्त वित्त पोषण की आवश्यकता होगी ताकि ऋण स्थिरता और करीबी जो वित्त पोषण अंतराल है उन्हें सुनिश्चित करने में मदद मिल सके। तो श्रीलंका और IMF के बीच समझौता केवल प्रारंभिक है। इसे जो है IMF जो मैनेजमेंट है और उसके कार्यकारी बोर्ड जो है उनके द्वारा जो है अनुमोदन किया जाना है। यह तभी आगे बढ़ेगा जब श्रीलंका के अधिकारी पहले से सहमत उपायों को अमल में लाएंगे। इसके अतिरिक्त जो है उन्होंने कहा कि जो है यह जो है एक लंबी शुरुआत होगी, ऐसा माना जा रहा है कि जो अधिकारियों ने पहले ही सुधार प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसे दृढ़ संकल्प के साथ जारी रखना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो IMF की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही जो है भारत में जो है श्रीलंका के उच्चायुक्त जो है मिलिंडा मोरागोडा, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस में जो है आईडिया एक्सचेंज के कार्यक्रम में यह बताया था। उन्होंने एक पुनर्गठन कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की और हमारे पास वाणिज्यिक ऋण, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय ऋण और घरेलू ऋण है, तो इसे कैसे संतुलित किया जाए, इस पर जो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जानकारी प्रदान की है। तो IMF फंड श्रीलंका की मदद कैसे करेगा? देखिए, अर्थव्यवस्था को स्थिर करने और विकास को बढ़ावा देने में मदद के लिए जो है 4 वर्ष, मतलब यह जो धन है वो 4 वर्षों में वितरित किया जाएगा। पैकेज जो से जो है राजकोषीय समेकन जो है यह फिस्कल जो इंटीग्रेशन है उसका समर्थन करने, ईंधन और बिजली के लिए नए मूल्य निर्धारण, सामाजिक खर्च में वृद्धि, केंद्रीय बैंक की स्वायत्तता को मजबूत करने, और जो विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया था उस पर भी कहीं ना कहीं मतलब उसके पुनर्निर्माण के लिए जो सरकारी राजस्व बढ़ाने में मदद करेगा। तो दुनिया में सबसे कम राजस्व स्तरों में से एक से शुरू होगा कार्यक्रम, प्रमुख कर जो सुधारों को लागू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको बताने कि जो IMF ना, उसने अभी हाल ही में जो पाकिस्तान को भी जो सहायता थी वो प्रदान कर दी है। तो जो उच्चायुक्त तो मोरागोडा हैं, उन्होंने बताया कि यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि समझौता विश्वास देता है, भले ही श्रीलंका की स्थिति के लिए ऋण की मात्रा बहुत बड़ी नहीं है, यह निवेशकों को आने के लिए विश्वास देगा। जी हाँ, उन्होंने कहा कि ये जो मतलब धन मिला हुआ, इससे हो सकता है कि जो हम कुछ सुधार करेंगे तो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स हैं वो आएंगे भविष्य में, और इस प्रकार से जो मल्टी लेटर या बायलेटर समझौते होंगे वो हो सकता है कुछ अन्य इस प्रक्रिया पर श्रीलंका भी आगे बढ़े। तो भारतीय उच्चायुक्त ने श्रीलंका के साथ, जो भारत में उच्चायुक्त ने कहा कि श्रीलंका के साथ भारत खड़ा था इस वर्ष के दौरान, यह जाने बिना कि यह संकट कहाँ जा रहा है, हम भारत के बहुत आभारी हैं। भारत ने हमें IMF में जाने के लिए प्रोत्साहित किया। वास्तव में भारत एकमात्र देश, एकमात्र भागीदार है जिसने हमारी बिना किसी प्रकार की जो है सहायता की है। और तो इस पर जो है मतलब जो उच्चायुक्त थे उन्होंने ये बताया। तो कार्यक्रम का लक्ष्य 2024 तक जो है GDP के 2.3% के प्राथमिक जो सरप्लस है वहाँ तक पहुँचना है, प्राइमरी सरप्लस तक। इसके अतिरिक्त श्रीलंका में अभी क्या स्थिति है? तो देखिए, जो श्रीलंका पर 51 अरब डॉलर से अधिक का विदेशी कर्ज बकाया है, जिसमें से 28 अरब डॉलर 2028 तक चुकाना है। IMF के अनुसार 2022 में देश की अर्थव्यवस्था 8.7% श्रिंक हो चुकी है, सिकुड़ गई है, और मुद्रास्फीति 60% से ऊपर हो गई, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, आधे से अधिक मतलब 60% इन्फ्लेशन है यहाँ पे देख लीजिए। राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने 2025 तक जो सरकारी राजस्व है उसका GDP के लगभग 15% तक बढ़ाने, सार्वजनिक क्षेत्र के ऋण में कटौती, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और मूल्य वर्धित कर जो वैट है उन पर जो है मौजूदा जो 12% से बढ़ाकर 15% करने के उद्देश्य से एक बजट प्रस्तावित किया। उन्होंने 2022 के लिए देश के घाटे के अनुमान को भी संशोधित कर दिया है, संशोधित कर जो है GDP का 9.8% कर दिया, जो पहले 8.8% था। तो देखिए, जो है इस पर जो है विक्रम सिंह जी काफ़ी मतलब प्रयास करेंगे, ग्राउंड स्तर पर वो कह रहे हैं कि जो UN सहित अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कार्यक्रम शुरू किए थे, जबकि स्कूल और कॉलेज फिर से खुल गए हैं। तो देखिए, श्रीलंका की आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब इसलिए हुई ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब जब से आज़ाद स्वतंत्र हुआ तब से ज़्यादा वो जो है घरेलू कुप्रबंधन का जो है शिकार हो गया, भ्रष्टाचार का शिकार हो गया था। इसके अतिरिक्त जो है वहाँ पे जो पिछले कई सालों से हालात खराब हो गए थे,
चर्चों और होटल्स में जो है ईस्टर पर आत्मघाती हमले जो 2019 में हुए थे उसमें 260 से अधिक लोग मारे गए थे। इसने जो पर्यटन को पूरी तरह तबाह कर दिया। सुरक्षा ही नहीं थी तो पर्यटन नहीं आएगा तो विदेशी मुद्रा नहीं आएगी, जो विदेशी मुद्रा का एक प्रमुख स्रोत था। मतलब वहाँ पर जो है पर्यटन बहुत ज़्यादा था, अब जाना श्रीलंका जो है बौद्ध कंट्री माना जाता है। इसके अतिरिक्त जो हाई कमिश्नर हैं मोरागोडा, उन्होंने बताया कि ऐतिहासिक कारणों और दीर्घकालिक नीति विकल्पों की ओर इशारा किया जिन्होंने उस संकट में योगदान दिया जो अंततः कोरोना महामारी और यूक्रेन में युद्ध के बाद सामने आ गया। यूक्रेन युद्ध के बाद तो जान रहे हैं जिस प्रकार से ऊर्जा कीमतें बढ़ी उस तो बहुत ज़्यादा जो है इनको श्रीलंका को क्षति पहुंची उसके बाद से, तभी से तो इनकी स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई। तो स्वतंत्रतावाद के समय श्रीलंका की प्रवृत्ति अधिकांश देशों की तरह बाईं ओर बढ़ने की थी। इसने सामाजिक कार्यक्रम में भारी निवेश करना शुरू कर दिया। इसने लाभांश का भुगतान किया। गुणवत्ता और सूचकांक किसी भी मानक से बहुत प्रभावशाली है। उन्होंने यह भी कहा कि लंबे समय तक जो हमारी अर्थव्यवस्था बंद रही और भारत की अर्थव्यवस्था भी बंद रही, लेकिन भारत का जो है वो बाज़ार था, श्रीलंका के पास अपना इतना बड़ा बाज़ार नहीं था। और जो है सबसे बड़ी बात ये थी, अब जान ही रहे कि इसने जो है चीन से ऋण लिया हुआ था। तो एक देखिए एक प्रकार से आपका बाज़ार इतना बड़ा नहीं कि आप एक साथ कई हितों को साध सकते हैं। यहाँ पर यही समस्या थी। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था 1970 में खोली गई थी, लेकिन समाज का दृष्टिकोण सांख्यिकीवादी बना रहा। इनके जो राजस्व का 80% जो है सरकारी सेवकों के वेतन पर खर्च किया जाता था। 15 लाख सरकारी कर्मचारी और 5 लाख पेंशन भोगी थे। इनकी आबादी 22 मिलियन, तो आप अनुमान की कल्पना कर सकते हैं। ऐसा जो है जो मोरगोडा है उन्होंने बताया। इसके अतिरिक्त 2009 में गृह युद्ध की समाप्ति के बाद श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भारी कर्ज लेना प्रारंभ किया। देखिए यहाँ से स्थिति खराब हो रही है, जो कि इनके राजस्व का इसमें 70% से अधिक हिस्सा जो कर्ज से डूबा हुआ है। हर साल आप उधार लेकर शुरू कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि जो है कोविड-19 जैसी बीमारी आ गई, फिर इन्हें पूरा उसमें जूझना पड़ा, और उसके बाद जो है यूक्रेन संकट आ गया। तो इस तरह से मान सकते हैं कि किस्मत भी ख़राब थी, और इन्होंने इतना ऋण लिया था कि इसके कोई उससे जो है लाभ भी नहीं पाए, उस ऋण का कोई उपयोग नहीं कर पाए। तो हाई कमीशन ने यह भी कहा कि सिंगापुर के राजनेता ली कुआन यू के श्रीलंकाई लोकतंत्र की गूढ़ विवरण को याद किया। श्रीलंकाई लोकतंत्र गैर मौजूद संसाधनों की अधिक नीलामी है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि दोनों राजनेता एक दूसरे से कितने आगे निकले। ये श्रीलंका के लोग जो है ना उनके लिए अब आगे की एक ही स्थिति है कि वो जो है बिजली, पेट्रोलियम, वित्तीय सेवाओं और दूरसंचार क्षेत्रों जैसे विभिन्न जो श्रीलंका की अर्थव्यवस्था है उसमें संरचनात्मक मुद्दों पर अब हरी झंडी दे दी गई है। इससे जो है एक आगे का रास्ता तो मिल जाएगा श्रीलंका को। यहाँ कुछ जो भी पैसे मतलब जो भी ये फंड मिला हुआ है इसका उपयोग उचित प्रकार से करेंगे तो हो सकता है कि यदि कोई अन्य समस्या अंतर्राष्ट्रीय नहीं आती तो ये अपने मार्केट को पुनः जो है रिस्टेबलाइज कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो कुछ डीरेगुलेशन पहले से ही शुरू हो चुके हैं उनकी गति तेज करनी होगी। बैंकों का एक बड़ा पुनर्पूंजीकरण भी होना चाहिए। हाँ, जो रिकैपिटलाइजेशन है बैंकों का, बैंकों में से पूंजी खत्म हो गई थी तो वो भी समझ आए हैं। तो इस प्रकार से देखिए जो IMF ने इन्हें फंड दिया है उसका ये काफ़ी यदि चाहें तो काफ़ी उचित प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। इसके द्वारा जो भारत ने इनकी काफ़ी ज़्यादा सहायता की है। ये चीन के आगे हाथ फैलाए थे लेकिन चीन ने इन्हें कुछ प्रदान नहीं किया। वो चीन भी समय स्वयं आर्थिक संकटों से जूझ रहा है। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो है अब IMF की यदि ये रूपरेखा पर चलेंगे तो इनकी जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी ज़्यादा रिकवर कर पाएगी। और IMF जो है ये फंड जो है ना 4 साल मतलब हर साल जो है ना धीरे धीरे प्रदान करेगा 4 साल तक, लेकिन IMF की अपनी शर्त होती है। तो देखते हैं अब श्रीलंका का की आर्थिक स्थिति कितनी संभलती है।